हेलो दोस्तों, मैं हूं थ्री और आप देख रहे हैं थ्री मोटर। तो दोस्तों, आज हमारे पास मौजूद है 2023 का नया पल्सर NS160, जिसमें कंपनी ने कई सारे चीज चेंज कर दिए है। हालांकि हम रिव्यू करने में देरी करें, क्योंकि क्या करें, हमारे पास बाइक आई देर से रही है। चलिए, देर है दुरुस्त है, कोई बात नहीं। चलिए, आज इस वीडियो में इस बाइक को मिला है तो इस बाइक को हम निचोड़ लेते हैं सारे रिव्यू। मतलब इस बाइक में हम डिटेल्स में रिव्यू देखने वाले हैं, चाहे बात करें इस बाइक के ऑलराउंड की, या बात करें इस बाइक के राइडिंग रिव्यू की, या बात करें इस बाइक के कंक्लूजन की, प्राइस की, सारे चीज़ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक 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 करके। चलिए, आखिर तक आप लोग बने रहेगा, आप लोग आखिर तक वीडियो देख नहीं रहे हैं इसीलिए हमारा वीडियो चल नहीं रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग उम्मीद करता हूँ वीडियो आखिर तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस बाइक का वॉकराउंड वीडियो, फिर देखेंगे इस बाइक का आप क्या करेंगे, मतलब एक वॉकराउंड देखेंगे, फिर देखेंगे इस बाइक का राइडिंग रिव्यू, आखिर में बात करेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में, इस बाइक का प्राइस भी इंटरेस्टिंग है, फिर बात करेंगे इस बाइक के कंक्लूजन के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बाइक के वॉकराउंड के बारे में, फिर एक एक करके आगे हम बढ़ते रहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बाइक का वॉकराउंड को। हाँ तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम इस बाइक के ऑकराउंड को देख लेते हैं। अगर ऑकराउंड की बात करें तो हमेशा हम बात करते हैं ऑकराउंड को पहले से ही, लेकिन हाँ आज पहले से नहीं, आज हम शुरू करेंगे इंजन से। क्यों इंजन से शुरू करेंगे, क्योंकि इस बाइक के सारे चीज़ लगभग चेंज हो गए सिवाय इंजन की। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस बाइक के इंजन की स्पेसिफिकेशन। अगर इस बाइक में मिल जाते 160cc की सिंगल सिलेंडर एयर प्लस वाइल्ड कूल इंजन, जो कि अच्छा बात है। पावर आउटपुट की बात करें तो ये इंजन आपकी लगभग 17.2 bhp के पावर प्रोड्यूस करता है 9000 rpm पर, और लगभग 14.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7250 rpm पर, जो कि ठीक ठाक पावर है, मतलब अच्छा खासा पावर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है DTSI इंजन, जो कि बजाज का खुद का इंजन है। ट्विन प्लग, मतलब इस इंजन में आपको ट्विन प्लग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी बजाज की बाइक के सारे इंजन पर मिलता है। इसके अलावा बात करें तो इस बाइक की और भी खास बात है कि इस बाइक में को मिल जाते हैं इस बाइक का क्रिस्टल, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल कंपनी इस चीज़ को हटा दे रहा है, लेकिन इस बाइक को मिल जाता है, मुझे अच्छा लगता है। चलिए, हम फ्रंट से शुरू करते हैं। अगर हम सबसे फ्रंट में आ जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक के हैलोजन के हेडलाइट। हैलोजन के सुनकर कई सारे लोग डिमोटिवेट होते थे, लेकिन इसमें डिमोटिवेट होने वाले मुझे पर्सनली कोई भी चीज़ नहीं लगता है। इस बाइक आपको मिल जाता है हैलोजन के हेडलाइट, लेकिन अच्छा खासा आपकी बाइक आपकी लाइट प्रोवाइड कर देता है, खास करके नाइट में। अभी तो दिन है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसके अलावा फ्रंट की अगर बात करें टायर साइज की, तो फ्रंट आपको मिल जाते हैं 100x80 17 इंच की ट्यूबलेस टायर, जो कि आज जो वाली सेम है पहले ऐसा ही है। फ्रंट की अगर ब्रेक की बात करें तो फ्रंट आपको मिल जाते हैं 300mm के डिस्क ब्रेक, और इस बाइक में आपको मिल जाते हैं डुअल चैनल एबीएस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट में जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इस बाइक का एचएस, मतलब इस बाइक का पहले सामने का सस्पेंशन। पहले आपको मिल जाता है इस बाइक में आपको मतलब टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, लेकिन अब से इस बाइक में आपको मिल जाता है यूएसडी सस्पेंशन, जो कि इस बाइक के सबसे मेजर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब चेंज हो गया, और यह है इस बाइक का की स्लॉट। चलिए, यहाँ पर लगाते हैं एक मिनट। हाँ, अगर बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डिजिटल प्लस एनालॉग की कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर बात करें तो एनालॉग में आपको मिल जाता है इस बाइक में आरपीएम मीटर, यहाँ पर आपको मिल जाता है आरपीएम की लिमिट, मतलब रेड आरपीएम के अवेलेबिलिटी। यहाँ पर मिल जाता है इस बाइक का फ्यूल इंडिकेटर। यहाँ पर अगर बात करें तो छोटे छोटे टेल लाइट मिल जाते हैं न्यूट्रल की, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं लो बैटरी की, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत खूबसूरत से नीला कलर से बजाज का लोगो दिया हुआ है, जो अच्छा लगता है। फ्यूल इंजेक्टर की और भी कई सारे चीज़ के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। टर्न सिग्नल, मतलब छोटे छोटे टर्न लैंप, टर्न सिग्नल इंडिकेटर यहाँ मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगर बात करें डिजिटल में, तो डिजिटल में कई सारे चीज़ चेंज हो गए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सारे चेंज। यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट, मतलब डिजिटल में, मतलब यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको मिल जाता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, जो पहले नहीं था, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक का क्लॉक, यहाँ पर मिल जाता है ओडोमीटर, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं इसे दबाकर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक के रियल टाइम माइलेज, मतलब एवरेज दिखा देता है, ट्रिप ऑन ट्रिप भी। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है ये बाइक आपको, मतलब डी टी मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब आपके पेट्रोल में कितना तेल है, मतलब सॉरी टैंक में कितना पेट्रोल है, उस हिसाब से आपका बाइक कितना देर तक जा सकते हैं, वो भी आपको इस बाइक आपको कैलकुलेट करके बता देता है। तो लगभग ये था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के चेंजेस, जो कि बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक की स्विच गियर के बारे में। स्विच गियर की बात करो तो यहाँ पर आपको, अगर बात करें लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक के मतलब हाई बीम, मतलब पास इंडिकेटर, यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम, यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक के साइड इंडिकेटर के स्विच, यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक का हॉर्न, हॉर्न मैं आपको सुनाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक का इंजन किल स्विच, यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक का सेल्फ। इस मतलब बजाज की जो सीरीज़ है पल्सर, वहाँ पर एक खास बात है, अगर आप इसको नोटिस किएगा तो यहाँ अगर बाइक को चालू करेगा तो ये जो चीज़ है आपकी छोटा छोटा जो टेल लाइट है वो आपकी जलेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार चालू करके, देखिए आप जल रहे हैं।
इसके अलावा अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 12 लीटर के फ्यूल टैंक। माइलेज की बात करें तो ये बाइक आपकी लगभग 40+ KMPL की माइलेज निकाल देगी। हालांकि माइलेज आपकी चलाने की मतलब तरीके पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये बाइक मुझे लगता है पर्सनली 40 KMPL की माइलेज तो निकाल देगी। डिजाइन की बात करें तो आपकी जो कलर है ये बाइक मेरे पास सामने है, वहाँ पर आपको व्हाइट है मेन कलर, और यहाँ पर आपको रेड मतलब रेड नहीं थोड़ा सा ब्राउन टाइप का आपको स्टिकर यानी कि ग्राफिक्स दिया हुआ है। इसके अलावा यह जो साइड का पोर्शन है वो सारे ही कलर में आपको मिल जाता है ब्लैक की। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फ्यूल इंजेक्टर के बैच। पीछे की बात करें तो पीछे आपको यहाँ पर आपको मिल जाते हैं NS160 की बात। सीट की बात करें इस बाइक का सीट की कुछ नहीं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सीट की हाइट की बात करें तो इस बाइक का सीट हाइट है लगभग 810 mm, जो कि थोड़ा सा आपकी जो शॉर्ट राइडर है उसके लिए दिक्कत कर सकता है। बाकी अगर बात करें पीछे की सीट की तो आगे और पीछे दोनों के लिए मतलब राइडर और पिलियन के लिए दोनों के लिए इनफ सीट की स्पेस है, कोई भी स्पेस में दिक्कत नहीं है। बाकी बात करें अगर इसके अलावा पीछे की सीट की तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं है दूसरे 160 की बाइक की तरह, और आपकी जो कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट बहुत ही अच्छा आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर पीछे आ जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरह का ग्रिल टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है, मतलब एक प्रॉपर ग्रिल है आपकी। इसके अलावा यह आपको इस बाइक के पीछे की मतलब पिलियन के लिए फुट रेस्ट। और बात करें ये सब चीज़ की तो यहाँ पर आपको एलुमिनियम का यूज़ हुआ है, जो कि अच्छा बात है। पीछे के टायर की बात करें तो पीछे आपको मिल जाते हैं 130x70 17 इंच की ट्यूबलेस टायर, और पीछे यहाँ पर टायर चेंज हुआ है। पीछे आपको पहले मिलता था 120 इंच की, अभी आपको मिल जाते हैं मतलब 120 mm की। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं नया बाइक के 130 mm की। पीछे की अगर बात करें पीछे की लाइट की तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पहले ऐसे ही लाइट, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं थोड़ा सा आपकी मतलब पीछे का पोर्शन। यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक का रिफ्लेक्टर, यहाँ पर दो रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। पीछे आपको मिल जाते हैं हैलोजन के टर्न सिग्नल इंडिकेटर, यहाँ पर आपको लगा सकते हैं इस बाइक का नंबर प्लेट। यहाँ पर आपको छोटा सा मडगार्ड दिया हुआ है, जो कि प्रॉपरली काम करता है। इसके अलावा पीछे आपको कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, कई सारे लोग इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, लेकिन हाँ इस बाइक में एक चीज़ ख्याल मतलब रखा गया है ध्यान कि आप कभी भी इस बाइक को मतलब मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे अगर बात करें तो पीछे आपको मिल जाते हैं 230 mm के डिस्क ब्रेक, और मैंने आपको पहले ही बताया इस बाइक में आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। पीछे आपको मिल जाता है इस बाइक में मोनोशॉक का सस्पेंशन, जो कि यहाँ से आप एडजस्टेबल कर सकते हैं, और ये जो पीछे के मोनोशॉक सस्पेंशन है वो लगभग आपके 5 स्टेप तक एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो लगभग ये था इस बाइक का ऑलराउंड वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को मैं सब कुछ बता दिया हूँ। चलिए इस बाइक को हम चला कर देखते हैं, फिर बात करेंगे इस बाइक के कंक्लूजन के बारे में कि ये बाइक आपको क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए हम इस बाइक को चला कर देख लेते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक बड़ा चीज़ मैंने आपको बताना भूल गए हैं, वो है इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट और इस बाइक का हॉर्न। चलिए इस बाइक का हॉर्न सुन लेते हैं, फिर सुनेंगे इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। एग्जॉस्ट नोट के डिजाइन की बात करें तो इस बाइक में आपको मिल जाते हैं अंडरबेली एग्जॉस्ट, जो कि यंगस्टर को यानी कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या युवक को हमारे देश की बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चलिए हम इस बाइक को चालू करते हैं। चलिए इस बाइक हम पहले एग्जॉस्ट नोट को सुन लेते हैं। दोस्तों आपने सुना इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट, आप कमेंट में बताना आपको एग्जॉस्ट नोट सुनने में कैसा लगा। चलिए हम इस बाइक के थोड़ा सा हॉर्न भी सुन लेते हैं। हाँ, तो कुछ इस तरीके से इस बाइक का हॉर्न और इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट मुझे कोई भी चेंज नहीं लगा, क्योंकि इस बाइक में इंजन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और बात, यहाँ पर आपको मिल जाता है E20 कंप्लाइंट इंजन साथ का ये बाइक आपके आता है, और अभी जो जितना भी बाइक आपके आ रहे हैं BS6 OBD2 Version 2 के साथ आता है, सारे ही बाइक में आपको मिल जाता है E20 कंप्लाइंट इंजन। और E20 इंजन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो लगभग यही था इस बाइक का डिटेल्स। चलिए हम इस बाइक को चलाकर देख लेते हैं, फिर बात करेंगे इस बाइक के कंक्लूजन के बारे में। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हमारे सामने मौजूद है N160, और चलिए अब हम इस बाइक के राइडिंग रिव्यू को देखते हैं कि ये बाइक चलने में कैसा लगता है। हालांकि इस बाइक में इंजन में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए चल के देखते हैं। दोस्तों वैसे तो इस बाइक के इंजन में कुछ चेंज नहीं है, पहले जैसा मिलता था 160cc के इंजन वही इंजन मिलता है। पावर आउटपुट की बात करें तो लगभग 17.2। हाँ तो मैं आपको बोल रहा था कि 160cc की अगर आप दूसरे बाइक को देखें तो वहाँ पर भी आपको लगभग इतना पावर मिल जाएगा, लेकिन इस बाइक अगर पिकअप की बात करें तो पिकअप बहुत ही अच्छा है इस बाइक का, मतलब तुरंत ये बाइक आपकी अचानक से स्पीड पकड़ लेता है। हालांकि अभी यह शोरूम का बाइक है, इसलिए यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर पर स्पीड शो नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब इससे ज़्यादा 160cc का मुझे फास्टेस्ट बाइक कुछ भी नहीं लगता है। कम से कम मतलब अगर बात करूँ मैं अगर तो मिनिमम इनिशियल जो पिकअप है इस बाइक का, इनिशियल पिकअप इस बाइक का मुकाबले आप कंपेयर ही नहीं कर सकते मेरे हिसाब से 160cc की। इसीलिए बाइक आपकी यंगस्टर की मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए बात करें या जो यंगस्टर है उसके लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा बाइक ये होता है। आप देख सकते हैं इस बाइक में आपको मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, और आप अगर 5 स्पीड गियर बॉक्स भी चल रहा है मतलब 5 स्पीड अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं तब भी आपको कभी भी एकदम बिल्कुल भी आपके पावर की कमी महसूस नहीं होगी। और आप चाहे बात करें इनिशियल की या बात करें मिड पिकअप की या बात करें अगर आप टॉप एंड की, तो कहीं पर भी आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी, और आप
कहीं पर भी आप कितनी भी गियर में बात करें, गियर में अगर आप इस बाइक को चला रहे तो आप इस बाइक को लेकर ओवरटेक किसी भी गाड़ी को कर सकते हैं किसी भी गियर में। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बाइक में मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर पर्सनली बात करोगे इस बाइक की आपको पावर की, तो पावर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैं दो गियर पे हूँ और बाइक आपकी मतलब अचानक एकदम तुरंत पकड़ लेगा स्पीड, कोई भी आपको लैग ही महसूस नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है इस बाइक का ABS का स्विच, और इस बाइक में आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS, जो कि अच्छा बात है। अगर ब्रेक की बात करो तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 300mm की डिस्क और रियर में आपको मिल जाता है 230mm की डिस्क। अगर मैं ब्रेक अप्लाई करके देखाऊँ तो अभी मैं लगभग आपकी 65-70 की स्पीड में चल रहा हूँ। अगर फ्रंट ब्रेक अप्लाई करूँ तो मतलब बहुत ही कम जगह में आपकी बाइक रुक जाता है। और रेयर की बात करें तो रेयर में भी आपको ब्रेक मिल जाते हैं, और इस बाइक का तो मिलते हैं डुअल चैनल ABS, आगे भी मिलते हैं और पीछे भी मिलते हैं। पीछे का मैं अप्लाई करके देखा हूँ तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ पहले, फिर मैं अप्लाई करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अभी मैं हूँ बाइक को लेकर लगभग आपकी 70+ स्पीड पर। अब पीछे की ब्रेक की बात करूँ तो पीछे की ब्रेक आपकी बहुत ज़्यादा आपकी मतलब बहुत ज़्यादा आपकी रिप्लाई करता है, आपको कभी भी महसूस नहीं होगा। और आपकी डुअल चैनल ABS होने की वजह से आपको सेफ्टी भी महसूस होता है, और आपको देख भी सकते हैं, आप चलाते वक्त आप महसूस भी कर सकते हैं इस बाइक की मतलब ब्रेकिंग को। बाकी अगर बात करें तो स्विच गियर पहले ऐसा है, इसमें कोई भी आपकी डिफरेंस नहीं है। हॉर्न की बात करें तो हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड है, कोई भी नहीं है बात डिफरेंस। तो लगभग यही था इस बाइक का मतलब राइडिंग रिव्यू। मुझे पर्सनली बताओ तो राइडिंग रिव्यू पहले से कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि इस बाइक के ना इंजन चेंज हुआ है, ना पावर में आपके मतलब आउटपुट चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस वजह से राइडिंग आपकी पहले ऐसा है, लेकिन हाँ राइडिंग पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बाइक में आपको मजा आता है UHD सस्पेंशन, उस वजह से आपको जो हैंडलिंग है उस बाइक के बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं पहले से ज़्यादा, और पहले से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, इस वजह से आप इस बाइक को और भी तेज़ चला सकते हैं, और आपकी मतलब बाइक के ऊपर आप एक अलग से पकड़ बना रहता है। तो ये फायदा है इस बाइक का UHD सस्पेंशन होने से वजह से। तो लगभग यही था इस बाइक का राइडिंग रिव्यू। चलिए अब हम रुकते हैं और देखते हैं इस बाइक के कंक्लूजन के बारे में कि क्या ये बाइक अभी भी आपके लिए सूटेबल है, क्या कितना इस बाइक की प्राइस बढ़ा है, अभी भी क्या बाइक आपके लिए सूटेबल है। चलिए आप रुकते हैं और फिर इस चीज़ को हम देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं इस बाइक को अभी चलाकर आ चुका हूँ वही वापस वही जगह पर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और छांव के नीचे सभी को आना चाहिए। और आप भी बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिए और कभी भी बाहर मत निकलिए, मतलब अगर काम ना रहे तो आप बाहर प्लीज़ ना निकलिए। हमारे व्यूअर से हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है, और जितना हो सके अपना ध्यान रखिए, सेफ्टी पर रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में, फिर बात करेंगे इस बाइक की कंक्लूजन के बारे में कि आपको बाइक लेना चाहिए। प्राइस की बात करें तो इस बाइक का जो एक्सरूम प्राइस है वो है लगभग 1,41,000, और इससे जो पहले वाला वर्सन आता था मतलब इसके जो अपडेट होने के पहले जो आता था पल्सर, अभी भी आ रहे हैं RS 160, उसका ऑन रोड प्राइस है मतलब एक्सरूम प्राइस है 1,33,000। मतलब प्राइस डिफरेंस की बात करें तो इस बाइक का जो 8,000 रुपये प्राइस बढ़ चुका है। अगर बात करें 8,000 के हिसाब से इस बाइक की जस्टिफाई करते हैं तो पहले तो वो बाइक आपकी मतलब बेस्ट वैल्यू पर मानी बाइक था है। अगर बात करें 8,000 बढ़ने के बाद इस बाइक की प्राइस की मतलब कैलकुलेशन के बारे में, तो 8,000 के हिसाब से इस बाइक को आपको अच्छा खासा चेंजेस मिल जाते हैं। पहले अगर बात करें चेंजेस के बारे में तो यहाँ पर आपको मिल जाता है UHD सस्पेंशन, जो कि एक अच्छा चेंजेस है 8,000 के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है, अगर बात करें पहले जब जो एलॉय आता था वो भी चेंज कर दिया गया है, अभी से यहाँ पर वो मिल जाते हैं N160 के एलॉय, जो कि अच्छा बात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो आपको मीटर दिया गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इतना ज़्यादा चेंजेस किया है और इतना अच्छा कर दिया गया है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खास करके बात करें तो अच्छा खासा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया गया है। बात करें तो आपकी क्लॉक दे दिया है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इस बाइक के गियर पोजिशन इंडिकेटर दे दिए गए हैं, जो कि मुझे पर्सनली से मतलब पहले से ही बजाज के साथ एक दिक्कत बजाज के था। हाँ तो लगभग इतना कुछ चेंजेस कर दिए है बजाज ने अपने नए NS 160 पर, जो कि मैंने आपको बताया। आप कमेंट बताना आपको ऐसा चेंजेस कैसा लगा। मैं पर्सनली बताऊँ तो 8,000 की जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से इस बाइक का चेंजेस इसको जस्टिफाई करता है, और अभी भी ये जो बाइक है आपकी बेस्ट 160 कैटेगरी की आपकी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक अभी भी ये बाइक साबित होता है, जो कि खास करके आपकी यंगस्टर के लिए और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए मुझे अभी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यंगस्टर है, खास करके यंगस्टर है, मैं फिर भी बात बार कह रहा हूँ, अगर आप खास करके यंग है तो आप प्लीज़ इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। इस बाइक के डिजाइन, राइडिंग एक्सपीरियंस, राइडिंग स्पोर्ट्सनेस, बात करें तो मतलब इस बाइक का क्लिप ऑन हैंडल बार बिल्कुल आपके लिए जस्टिफाई करता है, आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक साबित होता है NS 160। तो लगभग यही था इस बाइक का कंक्लूजन। मुझे इस बाइक पर्सनली अच्छा लगा, सारे चेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 8,000 रुपये, मेरे हिसाब से इस बाइक का 8,000 रुपये प्राइस इंक्रीज़ इस बाइक की चेंजेस को जस्टिफाई करता है।
तो लगभग ये था इस बाइक का मतलब कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, अगर ऐसे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, तो आखिर में फिर से एक बार कह रहा हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्लीज़ आप घर से कम निकलिए, जितना ज़्यादा कम हो सकता है उतना कम निकलिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी निकलिए। प्लीज़ घर पर रहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, सेफ्टी के साथ रहिए और इस गर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अवॉइड कीजिए। चलिए आप अपने आप को ध्यान रखिए। इस वीडियो के लिए ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नेटवर्क के साथ। आप प्लीज़ अपने ध्यान रखिए।